ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेसन के साथ। इस गाने में थोड़े बहुत स्लाइड्स जो है काफ़ी यूज़ हुई है, तो अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर है तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए इस सॉन्ग को, क्योंकि बहुत अच्छा साउंड करता है गिटार पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन इस तरीके से प्ले करना है, ठीक है। लाइन बाय लाइन हम लोग सीखेंगे इस गाने को। तो पहली लाइन अभी मैंने प्ले करके बताई, ये स्टार्ट होगी। अब ये सिंगल स्ट्रिंग ट्यूटोरियल है, तो पूरा सॉन्ग जो है फर्स्ट स्ट्रिंग पर ही प्ले हुआ है। तो ये गाना स्टार्ट होगा सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, 2 5 7 5, फिर 3 पे स्ट्रोक देके स्लाइड अप करना है 2 पे, और फिर पुल ऑफ करना है ओपन स्ट्रिंग पे बिना स्ट्रोक दिए। ऐसे क्या प्ले कर रहे हम लोग, उसके बाद स्लाइड भी कर सकते हो। तो एंड में हमने यहाँ पे ख़त्म किया 2 5 पे, ठीक है। जैसे मैंने कहा ऐसे प्ले कर सकते हो, स्लाइड भी कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। अब नेक्स्ट लाइन ऐसे प्ले करना है, ठीक है। तो स्टार्ट होगी 5th फ्रेट पे, हैमर पुल ऑफ देना है 7 पे, 3 पे स्ट्रोक देके स्लाइड अप करना है 2 पे, फिर से 3 7 5, 2 पे स्ट्रोक देके हैमर 3 पे, फिर बिना स्ट्रोक दिए स्लाइड डाउन टू 7, ऐसे ब्रिंग बैक टू 5। तो अब तक क्या प्ले किया हमने, फिर से 3, फिर 2 स्ट्रोक 2 पे, ठीक है। तो डायरेक्ट 2 पे भी स्ट्रोक दे सकते हो, तो 5 से 3 पे स्लाइड करके भी 2 स्ट्रोक 2 पे दे सकते हो, जैसे भी कंफर्टेबल हो। थोड़े बहुत चेंजेस इधर उधर कर सकते हो आप लोग, ठीक है, मेलेडी के हिसाब से। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। इनफैक्ट ये दोनों लाइन एक बार फिर से रिपीट करना है, तो साथ में स्लोली प्ले कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद तो फिर से स्टार्ट होगी 2nd फ्रेट 1st स्ट्रिंग पे, 2 5 7 9 10, 9 पे स्ट्रोक देके स्लाइड अप करना है 7 और 5 पे, ऐसे रिपीट करना है इस लाइन को। इस लम्हे में है, ठीक है। अब अगली लाइन, ये लम्हा कहा था मेरा, ओके।
तो ये वाली लाइन स्टार्ट होगी फिर से सेकंड फ्रेट पे, 2 5 7 9 10। अब 9 पे शोक दे के साइड अप करना, 7 पे फिर से 9। अब 10 पे शोक दे के पुल ऑफ करना 9 पे। अब 12 पे शोक देना है। क्या प्ले कर रही इस लाइन के लिए? ठीक है, अब या तो क्लियर है उसके बाद। अब है सामने, ओके। तो ये लाइन स्टार्ट होगी 10 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, 12 पे शोक देके स्लाइड डाउन टू 14, फिर से 12 पे शोक देके स्लाइड डाउन टू 14, फिर से 12, 10, 9 पे शोक देके स्लाइड अप टू 7। क्या प्ले कर रहे हैं हम लोग? अब फिर से रिपीट करना है इसको, इसे छू लूँ जरा लाइन के लिए भी। ओके, अब इसके बाद मर जा हुआ जी लूँ जरा उस लाइन के लिए, ऐसे प्ले करना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा 7 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, सॉरी 9 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, 9 10, फिर 9 पे शोक देके स्लाइड अप टू 7, फिर से 10। अब 10 पे शोक देके स्लाइड डाउन टू 14। ठीक है, अब और एक शोक देना है 14 पे और स्लाइड डाउन स्लाइड अप करना है 12 पे। अब 10 पे शोक देके स्लाइड अप टू 9, 10, 9 पे शोक देके स्लाइड डाउन टू 10। क्या प्ले कर रहे हैं इस लाइन के लिए? ठीक है, अब इस लाइन को ऐसे एंड करना है, एंड में हल्का सा उन्होंने ये लिया हुआ है। या तो प्ले कर लिया उसके बाद। ठीक है, तो इस 10 पे शोक देके हैमर पुल ऑफ करना है 12 पे, फिर 9 पे शोक देके स्लाइड अप करना है 7 पे। ठीक है, अवॉइड भी कर सकते हो इसको, कंपलसरी नहीं है प्ले करना, लेकिन अगर आपको एक्यूरेट टाइप चाहिए एकदम, तो फिर ये वाला पार्ट भी प्ले करना पड़ेगा। ओके, अब इसके अगले पार्ट पे आ दे। इसके पहले जो 2 लाइन्स प्ले किए वो फिर से रिपीट करना है, खुशियाँ झूमलू या झूलू जरा समथिंग, वो वाला पार्ट है, तो उसके लिए भी इसके पहले की लाइन्स रिपीट करना है। ठीक है, इसके टाइप्स में बता चुका आपको ऑलरेडी, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा रिटर्न टाइप्स में, तो इसकी रिटर्न टाइप्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, आप लोग उसको रेफर कर सकते हो। अभी ये लाइन प्ले कर ली उसके बाद। ठीक है, ये प्ले कर लिया इसके बाद। ये पार्ट प्ले करना है, तो ये स्टार्ट होगा 12th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, स्टैंड अप करना है 10 पे, फिर 9 पे शोक देके स्टैंड अप करना है 7 पे, फिर से 10। अब और एक शोक देना है 10 पे, स्टैंड अप करना है 15 पे, 14, स्टैंड अप टू 12, 10, स्टैंड अप टू 9, 10, 9 पे शोक देके स्टैंड अप टू 10। क्या प्ले कर रहे हैं इस पार्ट के लिए हम लोग? ठीक है, आई होप या तो क्लियर है आपको। तो एक बार पूरा गाना हम लोग साथ में प्ले कर लेते हैं स्लोली, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर भी कन्फ्यूजन रहता है तो रिटर्न टाइप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है मैंने, आप लोग उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार साथ में स्लोली प्ले करते पूरा सॉन्ग को।
ठीक है। आई होप अगर आपको क्लियर है, और जैसे मैंने कहा कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो रिटर्न एप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रखी है। कोई भी डाउट्स, क्वेरीज या रिक्वेस्ट हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी टच में आ सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पे दी हुई है। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर दिस सॉन्ग।